Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. On our YouTube channel, we have been getting a lot of queries and a lot of doubts from you related to MBA CET CAP Round. बहुत सारे doubts का तो हम answer comment section में ही दे देते हैं. But there are many doubts जो बहुत सारे students को common है. In this video, we are going to cover that. वो सारे doubts हम live आज सीधा पढ़ के आपको explain करेंगे. ये वो सारे डाउट्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कॉमनली आते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल. शायद आपको ये डाउट था भी नहीं, बट अभी आपको ये डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू द डाउट्स ऑफ लास्ट वन और टू डेज. अभी इसमें से बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आंसर्ड है थ्रू कमेंट सेक्शन, बट जो हम डाउट्स देने वाले हैं वो एकदम कॉमन डाउट्स है. जैसे कॉलेज फीस पे करनी पड़ती है क्या एडमिशन के टाइम? वैष्णव दांगे इज आस्किंग अस दिस. सो वैष्णव, यू हैव टू पे द कॉलेज फीस. एक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देना होता है. हर कॉलेज की अपनी अपनी फीस रहती है. जो आपको प्रोविजनल लेटर आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, एंड उसके बेसिस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के वो डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा. सो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है इन लास्ट 14 hours 15 hours. सो लास्ट टू डेज में जितने भी कमेंट्स हैं हम वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. क्या कह रहा है सिद्धार्थ? इज सेइंग वाओ द वे यू आर एक्सप्लेनिंग. अच्छा, थैंक यू सो मच यार सिद्धार्थ. देन केपॉप फ्ली ऑफिशियल इज सेइंग सर आई हैव डाउट. एक्चुअली मुझे एमबीए फाइनेंस करना है बट आई चूज ओनली प्लेन एमबीए कैप राउंड वन. सो कैन आई स्टिल चूज फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इफ सीट इज ऑटो फ्रीज इन कैप राउंड वन और आई कंपल्सरीली चूज प्लेन एमबीए? तो प्लेन एमबीए में आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सिडनम इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन मिलता है या फिर जेबीआईएमएस में आपको एडमिशन मिलता है जहां पे प्लेन एमबीए है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना स्पेशलाइजेशन अंदर चूज नहीं कर सकते हो. सो इन आवर डेज एट सिडनम इंस्टीट्यूट जब 180 स्टूडेंट्स थे जो प्लेन एमबीए कर रहे थे, ऑलमोस्ट 80 टू 90 ऑफ देम वर डूइंग एमबीए इन फाइनेंस एंड सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग. तो प्लेन एमबीए के अंदर जाके भी आप अपना हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो. उसके लिए आपको चॉइसेस के वक्त एमबीए इन फाइनेंस चूज करने की जरूरत नहीं थी. प्लेन एमबीए से भी आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉलेज फीस का हो गया. सर कैप राउंड वन में कॉलेज मिल गया बट डॉक्यूमेंट्स नहीं है रिजर्व कैटेगरी से, तो एडमिशन कन्वर्ट टू ओपन कैटेगरी इन कॉलेज एडमिशन? नो. अगर फॉर एग्जांपल आपको ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन मिला है तो ओबीसी कैटेगरी को आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनियर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है. ये तीनों सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं. अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, लेटर से आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है, देन कॉलेज विल प्रोवाइड यू 3 months का टाइम टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट. अगर वो 3 months के टाइम में आप अपना सर्टिफिकेट जमा कर देते हो तो आपका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा. बट अगर आप 3 months के टाइम में वो सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हो तो आपका एडमिशन ओपन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा. वी हैव सीन एग्जाम्पल्स जब स्टूडेंट्स ने कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन लिया है बट इन द गिवन टाइम फ्रेम वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए एंड दैट इज वाई देयर एडमिशन वॉज कैंसल्ड. आपका कैटेगरी का एडमिशन जनरल में या ओपन में कंसिडर नहीं होगा. प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस. नेक्स्ट क्या है, कैप राउंड टू कॉलेज प्रिफरेंस लिस्ट में कैप राउंड वन के अलॉटेड कॉलेज भी डालना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो. कैप राउंड टू का प्रेफरेंस लिस्ट ये कंप्लीटली फ्रेश प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा. तो ये कैप राउंड टू का जो प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके लिए हम आपको राइट टाइम पे गाइड करेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लो. अभी हमारा फोकस है कैप राउंड वन के ऊपर. कैप राउंड टू के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफाई हो जाएगा. फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल बट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर इन वन कैप राउंड ओनली वन कॉलेज कैन अलॉट और मोर देन वन कॉलेज एज पर द कट ऑफ. एक कैप राउंड को आपको एक ही कॉलेज अलॉट होगा, दैट इज व्हाई प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ऊपर अगर आपने लेट अस से पोंबा कॉलेज डाला है
एंड सेकेंड नंबर पे आपने लेटर से वेलिंगकर कॉलेज डाला है। आपको वेलिंगकर में एडमिशन मिल सकती थी बट आपने फर्स्ट नंबर पे पोम्बा डाल दिया, इसलिए आपको वो कट ऑफ क्लियर हो गया, आपको वो एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दो दो कॉलेजेस मिलेगी, ये गलती से भी नहीं होगा। इसलिए वो प्रेफरेंस फॉर्म रहता है, वो प्रेफरेंसेस सही बनाने जरूरी होते हैं। सर मुझे कैप राउंड वन में, तेजस इज सेइंग मुझे कैप राउंड वन में लगा कॉलेज तो मैंने बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया, तो कैप टू एंड थ्री में नहीं लगा एक भी कॉलेज, तो मैं कैप वन कॉलेज जो बेटरमेंट किया था उसमें एडमिशन कर सकता हूँ क्या? यस, बेटरमेंट मतलब आप अपनी सीट ब्लॉक करके आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपने बेटरमेंट किया है कैप राउंड वन में एंड कैप राउंड टू एंड थ्री में आपको कोई भी कॉलेज नहीं लगा, तो भी जाके आप एडमिशन ले सकते हो बिफोर द वी कैप राउंड और नॉन कैप राउंड स्टार्ट्स, है ना। नॉन कैप राउंड या फिर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का जो राउंड रहता है उसके पहले आपको एडमिशन लेना जरूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर आपकी सीट वो वेकेंट सीट में चली जाएगी। बट अगर आपका जो सवाल है कैप राउंड वन में जो कॉलेज लगाए वो टू एंड थ्री में अगर आपने फिल ही नहीं किया और आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो भी आप कैप राउंड वन का कॉलेज तो डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है? तन्मय, यस यू कैन, ओके। तेजस इज आस्किंग इफ यू आर नॉट, ठीक है, ये तो सारे रिप्लाईज है। सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी होती है? साइनिंग आस्किंग, 1000 रुपीज होती है सीट एक्सेप्टेंस फी, एकदम बेसिक। नेक्स्ट है प्रथम इज आस्किंग, सर अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ और मुझे TFWS से एडमिशन चाहिए, तो मुझे कैटेगरी कट ऑफ से कोई एक कॉलेज अलॉट हुआ और मुझे TFWS एडमिशन चाहिए, तो क्या मैं सीट बेटरमेंट करके दो कैप राउंड के सेकंड कैप राउंड के अलॉटेड कॉलेज का TFWS प्रेफरेंस डाल सकता हूँ क्या? यस डाल सकते हो, ठीक है। लेट अस से आपको SIES कॉलेज लगा थ्रू योर कैटेगरी, चलो SIES में तो कैटेगरी ही नहीं है, इंदिरा कॉलेज आपको लगा थ्रू योर कैटेगरी। नेक्स्ट इसमें आपने TFWS पुम्बा के लिए अप्लाई किया है या फिर TFWS इंदिरा के लिए ही अप्लाई किया है, अगर वो कॉलेज आपको लग जाता है सेकेंड राउंड में तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैप राउंड वन में जो कॉलेज लगा है वो उससे बेटर कॉलेज आपको कैप राउंड टू में या उससे बेटर प्रेफरेंस आपको कैप राउंड टू में मिलता है, तो आप उधर जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देन विजय सारणी इज आस्किंग, इस सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिला लेकिन फर्स्ट में मिला, तो क्या थर्ड कैप राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा? यस रहेंगे। फर्स्ट कैप राउंड में लेटर से आपको मिला है DY पाटिल कॉलेज, सेकेंड कैप राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आपने प्रेफरेंसेस थोड़े गलत भर दिए, बट क्या आप अभी थर्ड कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो? हाँ हो, बट द पॉइंट इज आपको कैप राउंड वन में बेटरमेंट चूज करना होगा, ठीक है। अगर आप बेटरमेंट चूज करोगे तो आपका फर्स्ट राउंड का DY पाटिल का कॉलेज ब्लॉक रहेगा, सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिला, थर्ड राउंड में आप नए से प्रेफरेंसेस भर सकते हो एंड आपका DY पाटिल की जो सीट है जो फर्स्ट राउंड में मिली थी वो भी ब्लॉक रहेगी, ठीक है। देन आदित्य इज आस्किंग, बेटरमेंट के बाद ब्लॉक होगा मतलब बाद में उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ले सकता हो क्या? यस यू कैन डू दैट, ठीक है। मेरा सेम क्वेश्चन था, आप श्योर हो कि अगर पहले राउंड का कॉलेज ब्लॉक किया तो सेकंड राउंड में बेटरमेंट के लिए गए तो सेकंड राउंड का कॉलेज पसंद नहीं आया तो हम पहले एडमिशन ले सकते हैं क्या? यस इट्स वेरी, ठीक है, इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अगर मेरे को सेकंड राउंड का कॉलेज फर्स्ट राउंड से बेटर नहीं लगा तो क्या मैं फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, MBA लेटरल एंट्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा? उसके लिए अपने को उनका इंपॉर्टेंट डेट्स वाला देखना होगा, वो लैटरल एंट्री इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है V-Boy PS क्या है, ठीक है, प्लीज सजेस्ट फ्यू कॉलेजेस फॉर 85% फीमेल ओपन PWS BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, ठीक है। सो यू कैन गेट अ डिसेंट कॉलेज, ये कॉलेज कौन सा मिलेगा उसके लिए जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियोस के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके कैटेगरी के आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
सो डू चेक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट क्या है, हसलर इज आस्किंग इफ आई गॉट कॉलेज ए इन फर्स्ट राउंड एंड आई चूज बेटरमेंट नॉट फ्रीज ऑप्शन विद पेइंग 1,000 rupees, देन इन सेकेंड राउंड आई गॉट कॉलेज बी, कैन आई डू बेटरमेंट अगेन टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 3, एंड इफ आई डेंट गेट कॉलेज इन कैप राउंड 2, देन कॉलेज आई गॉट इन फर्स्ट राउंड गेट्स ऑटो फ्रीज और नॉट. सही क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन हसलर, वेरी गुड क्वेश्चन, शाउट आउट टू हसलर. तो क्या है, कैप राउंड 1 में आपको ए कॉलेज मिला, कैप राउंड 2 में अगर बी कॉलेज मिला, ठीक है, एंड तो क्या आप कैप राउंड 2 में बेटरमेंट कर सकते हो? हाँ आप कर सकते हो. कैप राउंड 1 का कॉलेज आपको मिला ए, उसमें बेटरमेंट किया, 1,000 rupees फी पे की. अभी कैप राउंड 2 में कॉलेज मिला बी, उसमें आपको बेटरमेंट करना है, अभी 1,000 rupees पे करने की जरूरत नहीं है, आप कैप राउंड 2 में भी बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 में जा सकते हो. वेरी गुड. नेक्स्ट सवाल है, इफ आई डेंट गेट कॉलेज इन कैप राउंड 2, द कॉलेज आई गॉट इन फर्स्ट राउंड गेट्स ऑटो फ्रीज? नो. अगर आपका कैप राउंड 2-1 में फर्स्ट कॉलेज मिला है तो ही, प्रेफरेंस फर्स्ट मिला है तो ही वो ऑटो फ्रीज होता है. बट अगर नहीं, तो कैप राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो कैप राउंड 1 का बेटरमेंट वाला कॉलेज ऑटो फ्रीज नहीं होगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सीयूईपी कॉलेज इज नॉट इन द कॉलेज लिस्ट इवन दो आई हैव टिंक्ड एसटीपीयू एंड सीयूईपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी. तो उसके लिए आपको एमबीए एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो है वो वाला सिलेक्ट करना होगा, बट देन ठीक है, अभी तो टाइम चलेगा. नेक्स्ट है, सर आई गॉट 91.92 ऑल इंडिया कैटेगरी, विच कॉलेजेस शुड आई टारगेट इन मुंबई पुणे? अगेन द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हो. अ लॉट ऑफ वीडियोज आर मेड इन द्वैत रिकार्ड. नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू इफ आई वेट टू कैप राउंड 3 और कैप 4, दैट इज इंस्टीट्यूट लेवल कैप राउंड. Very good. To see which college I can get, then will the seat I got in cap round 1 or 2 be still blocked or for me in case I don't get the desired college in 3 or 4? Aapki seat jo hai, wo cap round 3 tak blocked rahegi. Very good question, Mayesh Singh. Very good. Aapki jo cap round 1 ya 2 ki jo seat rahegi, wo cap round 3 tak blocked rahegi. Ek bar cap round 3 khatam ho gaya, तो फिर आपकी सीट जो है वो वीकेंड सीट में कंसीडर होगी, जिससे आपका कैप राउंड 4 या इंस्टीट्यूट लेवल सीट का एडमिशन प्रोसेस होगा. सो रिमेम्बर, आपको अगर कैप राउंड 4 में भी, इंस्टीट्यूट लेवल सीट में भी अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपका कैप राउंड 1 वाला कॉलेज जो ब्लॉक किया था वो चले जाएगा. आपका कॉलेज ब्लॉक कब तक रहता है? कैप राउंड 3 खत्म होने तक ही ब्लॉक रहता है. मूविंग फॉरवर्ड, देन खुशी राठी इज आस्किंग, Hi sir, for EWS while filling cap round, is there any special option for that? Can you please suggest? तो EWS के लिए कोई special option नहीं है, SC, ST, EWS सारे के लिए choice code एक ही होता है, सिर्फ TFWS के लिए choice code अलग रहता है, so वो ध्यान से देखना है. Sang Palgade, thank you so much. Dynamic Lyrics बोल रहा है, सर जो official college की list होती है जिसमें मेरिट लिस्ट के नंबर्स होते हैं, वो कहाँ पे मिलेगी? वो नहीं मिल रही है, वो आपके डैशबोर्ड पे ही तो अवेलेबल है. वंस यू लॉग इन, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन जहाँ पे करते हो, उसके नीचे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट वो ही मिलती है. ठीक है, एंड ये जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट रहती है वो तो कैप राउंड के बाद मिलेगी ना, वो अभी से कैसे मिलेगी? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कॉलेज का रैंक कम होता है ना जैसे जैसे कैप राउंड आगे जाते हैं, कॉलेज का रैंक कम होता है. आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपरली. अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, कॉलेज का रैंक फॉर स्टूडेंट्स डेफिनेटली कम होता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अभी वेलिंगकर कॉलेज में 500 रैंक पे एडमिशन मिला है, तो जैसे जैसे एडमिशन कैप राउंड आगे जाएगी तो कैप राउंड 2 में 550 पे मिल जाएगा, कैप राउंड 3 में 600 रैंक पे मिल जाएगा, वो डेफिनेटली होता है. If I have understood your question properly, I hope I have answered your question properly, Moksha. ठीक है. Next is, sir, I got this much percentage. Which college is best for me? Again, it is in the description. You can check that. Thank you. But link not activate for cap round. What to do? ठीक है. Link activate हो चुकी है. अब ये थोड़े पुराने doubts हो गए हैं. सर कॉलेज सिलेक्ट करने के प्रोसेस चालू हो गई है क्या? कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है?
यस इट हैज स्टार्टेड। तो अभी ये पुराने पुराने डाउट्स हो गए हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव ट्राइड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी दैट यू हैड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हमने पर्सनली चैट सेक्शन में रिस्पॉन्ड किया है। वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे डाउट्स आपको रहेंगे। यू कैन बम्बार्ड अस विद ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी विल ट्राई आर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। बस मेक श्योर कि आप कोई गलती मत करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।